अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्राम देहरी हाई स्कूल में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी, यातायात नियमों का पालन कराने किया लोगों को जागरूक। दरअसल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और 8 मार्च को ही होली का पर्व है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले ही आगाफोर्ट पुलिस ने इस अवसर पर थाने में महिला आरक्षक रविता परिहार को विशेष अधिकारी नियुक्त कर आगाफोर्ट थाने में सम्मानित किया और ग्राम देहरी हाई स्कूल में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी दी। वहीं विद्यार्थियों ने पुलिस से सवाल किए जिनका जवाब पुलिस ने दिया। साथ ही शिक्षा का महत्व बताते हुए विद्यार्थियों से कहा कि व्यक्ति पढ़ेगा तो एक ही व्यक्ति शिक्षित होगा और अगर स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। जिसके बाद यातायात नियमों का पालन कराने आरक्षक रविता परिहार ने 2 नंबर गेट के पास वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की हिदायत दी कि हेलमेट आपकी स्वयं की सुरक्षा के लिए है, ना कि चालानी कार्रवाई से बचने के लिए, इसलिए वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें। वहीं ऑटो चालकों से नियम अनुसार ऑटो चलाने की बात कही है। इस दौरान आगाफोर्ट थाना प्रभारी अनूप सिंह ठाकुर, एएसआई शिखर चंद्र, प्रधान आरक्षक विजय कुमार, आरक्षक यशवंत, आरक्षक संतोष भटनागर, आरक्षक कमल सिंह, आरक्षक अभिषेक, आरक्षक रणवीर सिंह आदि मौजूद रहे। दीदी है वो टू व्हीलर दो पहिया वाहन जैसे स्कूटी या मोटरसाइकिल कोई चलाता है और कोई बिना हेलमेट के जाता है, तो आपको अपनी दीदी भाई या पापा उनसे हमेशा ये कहना है कि नहीं नहीं पापा आप बिना हेलमेट के घर से बाहर मत जाओ। और आपको जिद करके उनको जैसे हम अपनी बात मनवाते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ चाहिए, उसी तरीके से आपको अपने पापा से भाई से बोलना है कि नहीं पापा जी आप जाओ और आप घर से बिना हेलमेट के बाहर निकले, तो ये चीज़ आप कहोगे। हाँ।